सकता है सरकार की पॉलिसी हो और आप नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, हो सकता है सरकार की पॉलिसी हो और राजकर्मी आपको नहीं बनाएगी। 55 परीक्षा का आपको अवसर दिया जा रहा है, 15 साल 20 साल नौकरी किसी से करवा लिए तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? रास्ता में तो पास करें, दक्ष है भाई, दक्ष का अर्थ क्या होता है? परिपूर्ण है, योग्य है। और फिर आप कहें सक्षमता परीक्षा ही क्या होता है? क्या क्या शब्द है, ये तो राजनीति से प्रभावित हो गया है शिक्षा विभाग भी। अच्छे अच्छे अवसरों को लोग रहने नहीं दे रहा है। शिक्षक यह भी नहीं घबराए कि आप अगर परीक्षा फेल कर जाते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। देखिए बिहार में नियोजित शिक्षकों की 26 तारीख से सक्षमता परीक्षा ले जाने हैं। इससे पहले लगातार कई सारे लाखों लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में मामला इन दिनों चल रहा है नियोजित शिक्षकों को देखते हुए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, नियोजित शिक्षकों का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ होगा? नियोजित शिक्षकों की परीक्षा होनी है, 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये देखा जाए तो मार्च 13 तक चल रहा है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इस पर आप पहले भी लिए हमारा विचार लिए है, लीगल दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। क्या हाईकोर्ट क्या कहेगी परीक्षा नहीं लीजिए? अरे एक मानक है, राजकर्मी का दर्जा के लिए परीक्षा दीजिए। लेकिन गलती कहाँ से? सरकार कहती है कि परीक्षा लेंगे, सबको भगा देंगे। आप 13 साल 15 साल 20 साल नौकरी किसी से करवा लिए तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? आप सरकार फंसी है। कैसे फंसी है कि आपने पहले लिया दक्षता परीक्षा, दक्षता में तो पास करें, दक्ष हैं भाई, दक्ष का अर्थ क्या होता है? परिपूर्ण है, योग्य है। और फिर आप कहें सक्षमता परीक्षा ही क्या होता है? क्या क्या शब्द है ये तो भाई माने गजब सरकार है, हमको समझ में नहीं आती है। जो शिक्षक आप ऐसे मानिए कि 18-20 साल नौकरी कर लिया है उसको कैसे आप हटा दीजिएगा? आप ये कहते कि जो दक्षता परीक्षा पास किए हुए हैं वो नियोजित ही रहेंगे, सक्षमता परीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन क्या करेंगे आप? सबको देना पड़ेगा आपको, क्योंकि शिक्षक जो है कहाँ जाएगा बेचारा, सोसाइटी का वही पार्ट है। आप इतना दिन नौकरी ले लिए ना, जिस दिन दक्षता परीक्षा में अगर मान ली कहते हैं कि शिक्षक सही नहीं आए थे तो दक्षता परीक्षा में अगर गड़बड़ी था तो उसी दिन उन लोग को हटा देते। और देखिए मैं छुपाता नहीं हूँ, मानक जो सोसाइटी का है वो बदल चुका है। अब क्या है कि आवो हवा हो गया है सोसाइटी का, राजनीति से प्रभावित हो गया है शिक्षा विभाग भी। अच्छे अच्छे अवसरों को लोग रहने नहीं दे रहा है, खासकर शिक्षक संघ जो है वो भी कई खंडों में टूट पड़ा है। क्योंकि एक चीज मैं बता रहा हूँ, कैसे कहते हैं कि परीक्षा रुक जाएगा, इसके पूर्व उसका केस नंबर CWJC 236/2024 वो CWJC नंबर है, उसमें कहा हाईकोर्ट कहा है, हमारे विद्वान कहिए इस रूप में गए लर्नेड एडवोकेट जनरल साहब थे और आज के डेट में जो यहाँ एडवोकेट जनरल हैं वो उनकी ख्याति तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की है, एक अच्छे वकील हैं हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने। तो एडवोकेट जनरल साहब ने तो उसमें काउंटर एफिडेविट के लिए ए ले लिया, समय ले लिया चीफ जस्टिस साहब से, तो उसमें कहाँ रोकने का आदेश है? अगर उसी दिन होता तो स्टे कराया जाता, तो अब हमारे लर्नेड एडवोकेट जनरल ने उस पर ले लिया। तो कहने का अर्थ हुआ, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि परीक्षा उनको देना पड़ेगा, हर सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक यह भी नहीं घबराए कि आप अगर परीक्षा फेल कर जाते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। देखिए कोर्ट की तरफ से शिक्षक नहीं, एक टेक्निकल चीज को समझिए, नहीं एक टेक्निकल चीज बता रहे हैं। पहले था कि 3 ऑनलाइन परीक्षा देना है, यही ना था, और 3 अगर फेल आप कर जाएंगे तो छुट्टी हो गया। अब तो सरकार आपके लिए ऑप्शन 2 निकाल दिया, फिजिकल लिखित, तो 3 और 2 5 वो है। अगर 5 भी आप नहीं पास करते हैं, एक दिन का नहीं ना है, तो 5 नहीं पास करते हैं तो क्या होगा? आप नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, हो सकता है सरकार की पॉलिसी हो और राजकर्मी आपको नहीं बनाएगी। 55 परीक्षा का आपको अवसर दिया जा रहा है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है कि हम बहुत सहानुभूति लेना चाहते हैं शिक्षकों का, जो उसको करना है, लेकिन अच्छी परिपाटी का शिलान्यास नहीं है। इसलिए कि शिक्षक यूनियन ने क्या किया कि 1.5 लाख मात्र लगता है, लगभग नियर अबाउट 1,42,000 कुछ हमारे समझ से लगता है, जो हमको मैंने रिकॉल जो मेरा फॉर्म भरा है 2.5 लाख से ऊपर विरोध कर। जी बाकी यूनियन में फंस करके उसके यूनियन के नेतागिरी में वो लोग फॉर्म नहीं भरे। अब बताइए कि जो बच गए उसका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं से ऐसा है कि नहीं, जो भरे हैं उनको नहीं परीक्षा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा परीक्षा। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर का चीज़ है, आप थोड़े सर्वोसर्वा है। तो हमारे समझ से स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, एक लीगल दृष्टिकोण से मेरा जो अपना टेक्निक है, अपना आइडियोलॉजी है, कि किसी भी हालत में
शिक्षकों को परीक्षा देना ही होगा, कोई हाईकोर्ट स्टे नहीं लगाएगी। हाँ, जहाँ तक नौकरी खत्म होने का सवाल है तो सरकार नहीं कर सकती है खर्च, उसके लिए बहुत सा है, ह्यूमिनिटी भी तो है, आप 20 साल उसे सेवा लिए हैं, यानी कि फेर बदल हो सकता है। हाँ, फेर बदल हो सकता है, लेकिन उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। माने नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द टीचर्स यूनियन ऑल्सो इज गिल्टी, टीचर्स यूनियन भी दोषी है। आप फॉर्म भरवाते, नियम तो आप मानिएगा ना, आप डिक्टेटरशिप नहीं ना है, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो नहीं अगर रहता है यहाँ नेतागिरी, तो आप 1,40,000-42,000 कैसे क्यों मात्र फॉर्म भरा है? तो हमारे समझ से लगता है कि परीक्षा रुकेगी भी नहीं, और जो नहीं भरे उनको फिर एक चांस पीछे हो गए, फिर बाद में एक चांस और देंगे, लेकिन देना ही पड़ेगा, नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी नहीं जाएगी, परीक्षा तो देना ही होगा, कोर्ट के द्वारा भी स्टे नहीं लगेगा परीक्षा को देखते हुए, सक्षमता परीक्षा ली जानी है, इसको लेकर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, तो वहीं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ कहते सक्षमता परीक्षा को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर, आपने सुना है। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना, ये थे हमारे पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रिया को रखा कि पटना हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है और सारी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है। तो अब क्या कुछ होगा वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अभी फ़िलहाल आपको परीक्षा देनी होगी, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो नहीं जाएगी, चाहे आप परीक्षा फेल भी कर जाते हैं, ऐसा देखिए एडवोकेट का कहना है। अब क्या कुछ होता है खैर ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये उम्मीद और आसार लगाया जा रहा है कि आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि शिक्षक जो हैं आवेदन जो भी आवेदन किया है उन्होंने, और जिस प्रकार से उनकी एडमिट कार्ड आ रहा है उसको जलाकर उसका बहिष्कार कर रहे हैं पेपर का, और स्पष्ट रूप से सभी लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं। तो क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।